हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है 6 तारीख, नहीं 5 तारीख है। हाँ, आज 5 तारीख है। 5 तारीख की रात को मैं 12 बजे ब्लॉगिंग कर रही हूँ। अभी जस्ट एनी को सुलाए हैं और मेहंदी का कलर देखो मेरा कितना अच्छा वाला आया है। अब पता ना, रात भर मेहंदी लगी रहती है ना, तो कलर आता है दिन में नहीं। तो अभी जस्ट मैंने इयररिंग्स अपने उतारे, बहुत पेन होने लग गया था। और सुबह से मैं आप लोगों से नहीं मिली हूँ। कल मैंने हल्की हल्की चूड़ियाँ, मैं से कहते हैं ना पूरी नहीं बढ़ाई जाती हैं, कल फ्राइडे है तो फ्राइडे को बढ़ाऊंगी। तो आज बृहस्पतिवार हो गया तो इस चक्कर में नहीं हुआ है। और इसमें ऐसे करके आधा आधा पहन के रखा है, कुछ भी नहीं बढ़ाया था। तो मैंने कहा रात से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मॉर्निंग उठ के बहुत अच्छा ब्लॉग होने वाला है। तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी, कुछ धमाकेदार होने वाला है। तो आप लोग प्लीज फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत के करना, पूरा का पूरा वीडियो देखना। बहुत छोटा सा बनाऊंगी, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनाऊंगी कि आप लोग बोर हो जाओ मेरे वीडियो से। तो प्लीज फुल वॉच करो, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि ब्लॉग अच्छे होके जाए आप लोग तक। और पता है, मैं शाम से कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों से बात करूँ, क्योंकि आज सब लोग मेरे को बोल रहे थे बहुत अच्छी लग रही, बहुत अच्छी लग रही, नजर ना लग जाए। बट अभी सब हो गया अजीब सा। तो पता नहीं क्यों अच्छी लग रही थी आज मैं, अभी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हूँ, मैं खुद बता रही हूँ, अभी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हूँ। पता नहीं ऐसा क्या स्पेशल था समझ नहीं आ रहा। अभी एनी सोई है और मैंने दूध लेके रखा, तो अभी दूध पीऊंगी फटाफट से। तो चलो चलते हैं, मिलूंगी नेक्स्ट मॉर्निंग में आप लोगों के साथ। लोगों से मिले हैं और हम सुबह से बहुत ज्यादा सब परेशान हो गए थे, इतना काम था और काम ये एक्स्ट्रा बढ़ा रही थी। मेरा पूरा जो महावर वाला कलर होता है उसने ऊपर अपने ऊपर डाल लिया, तो अभी पूरा क्लीन किया और मेरे ऊपर सर पे डंडा गिर गया, तो यहाँ पे घुंघरा पड़ गया, बहुत भयंकर गिराया। उस वजह से दिमाग बार बार मेरा खराब था और चोटी मेरी देखो खुल जाती, बाल कटे। तो आज मैंने फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ ये साड़ी पहन के दिखाई, कैसी लग रही है जरूर बताना कमेंट सेक्शन में मुझे। ब्लैक और ग्रीन का है जो मैंने एक दिखाया था आप लोगों को रिव्यू, इस ब्लाउज का जो प्रियंका चोपड़ा ने किया था, मैंने ऑनलाइन ये परचेज करी थी। हाँ, तो अभी हम लोग चलते हैं, कहाँ जा रहे हैं तो अभी आप लोगों को बताएंगे, सरप्राइज है। तो चलो चलते हैं और फिर मिलेंगे आके वहां पे। हाँ, अभी ये भी दिखाना है कि मैंने आज बनाया क्या, वो दिखा देती हूँ। ओके गाइस, मैंने आज खाने में क्या बनाया, बूंदी का रायता, आलू मेथी सब्जी, पूरी एंड राइस। तो आज का खाना लंच हमारा ये है। तो ये देखिए मैं कहाँ आ गई हूँ, आप लोग जगह मतलब देख के पहचान ही गए मैं कहाँ हूँ। आई हूँ कोमल के यहाँ नीचे, तो कुछ स्पेशल है आज, बैलून वलून लगे। आप लोग सोच रहे होंगे किस बात की खुशी हम आज मनाने के लिए आ गए हैं, तो अभी आप लोगों को आगे के ब्लॉग में पता चलेगा किस बात की खुशी। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे बच्चे एक्साइटेड हो रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किस खुशी में ये केक वेक आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो अभी आगे के ब्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा। एनी बहुत एक्साइटेड हो रही है केक को देख के, वो समझ रही है कि उसका बर्थडे है तो केक कट होना है। तो चलो आगे एंजॉय कीजिएगा।
आप लोगों ने देखा ना केक, मेरा हैप्पी बर्थडे का कट हो रहा था। एक्चुअली मेरा हैप्पी बर्थडे है, तो प्रीति हर साल मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करती है। कोई भूल भी जाए लेकिन प्रीति कभी नहीं भूलती, हमेशा मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करती है। और शादी के बाद का कहते हैं ना, एक बार मेरा बर्थडे मनता है, गांठ जोड़ के पूजा हो जाती है, तो उसके बाद केक कट नहीं होता है। शौक शौक में भले ही केक ले आओ और खिला दो, सबको ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे कटा हुआ केक था, उसको ही मैंने फोटो सेशन के लिए ऐसे ही ऊपर से चाकू रख दिया था और कुछ नहीं किया था मैंने उसमें। हाँ, क्या चाहिए? बलून चाहिए? अभी मम्मा दिला देंगी, ठीक है, दिला देंगे। तो सारे बैलून फूट चुके हैं और यहाँ पे सिर्फ कुछ ही बैलून बचे, तो प्रीति वो भी फोड़ना चाह रही थी। यहाँ पे बहुत मस्ती चल रही है, बट मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं करी थी। काफी सारे लोगों ने डांस किया है, ग्रुप में ही किया है, सिंगल भी किया है, तो आगे मेरा डांस आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बच्चे भी डांस कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर करी हुई है। तो मैं काफी दिन से ये ब्लॉग आप लोगों तक अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ गई थी, कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी फ्रेंड सर्कल में, तो इस वजह से मैं नहीं कर रही थी। अच्छा भी नहीं लगता, ये नहीं होता है कि दूसरा दुखी है तो हम खुशी मनाएं उस चीज़ की, तो ये चीज़ मेरे को बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने पोस्टपोन कर दिया था। इंसानियत नाम की कुछ चीज़ भी होती है, कई लोग ऐसे होते हैं जिसको अपने से मतलब होता है, स्वार्थी सेल्फिश टाइप के होते हैं, लेकिन मेरे अंदर ये बिल्कुल भी आदत नहीं है। अगर कोई इंसान दुखी है तो उसके साथ भी वैसे ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब अपनी खुशी दिखाने लग जाओ। तो इस वजह से मैंने 3-4 दिन अपना बिल्कुल पोस्टपोन कर दिया था, कोई वीडियो नहीं डाला था। तो बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं मेरे बर्थडे के लिए यहाँ पे, और एक जन का और भी था, तो सब एंजॉय कर रहे थे आपस में, किसी की रिकॉर्डिंग नहीं करी है। बस इसी वजह से थोड़ा मुश्किल हो रहा था, थोड़ा सैड हो गई थी मैं भी, तो नहीं मन लग रहा था और अच्छा भी नहीं लगता यार। अगर किसी इंसान के साथ ऐसी घटना घट जाती है तो फिर नहीं कोई काम में किसी भी चीज़ में मन लगता है। तो इस वजह से मैं कुछ दिन रुकी थी, तो आज मैं बैठ के ये अपलोड कर रही हूँ आप लोगों तक। आप लोगों ने देखा ना मेरा डांस कैसा लगा, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये हम लोग कपल डांस कर रहे थे, ऐसी मस्ती चल रही थी। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा उतनी देर से बहुत धूम धड़ाका हो रहा, बहुत एंजॉय हो रहा। एक्चुअली आज है मेरा हैप्पी बर्थडे और हमारे साथ एक लोगों का और है, तो हम लोग एक दूसरे को सेम टू यू बोल रहे हैं और बर्थडे भी किया है। तो अब कुछ कर नहीं सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। एक्चुअली बहुत सारी चीजें लेके आई थी, वो हर बार मेरा बर्थडे प्रीति बहुत अच्छे सेलिब्रेट करती, मेरी मनपसंद चीजें लेके आती है। तो इस बार भी ढोकले लेके आई, पानी के बतासे, रसगुल्ले, सब लोगों ने और भी बहुत सारे आइटम है, सब चीजें लेके आई, बट मैंने कुछ नहीं खाया। केक भी मुंह से नहीं लगाया है, केक भी नहीं खाया। अब केक मैं कट करती नहीं हूँ क्योंकि शादी के बाद एक बार हुआ था,
तो गांठ जोड़ के पूजा होगी तो उसके बाद फिर नहीं करते हम बर्थडे। उसने पहले कट कर दिया था मेरा गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे। अरे उसमें थैंक यू सकना दिखा गिफ्ट काली दिखा दे देख लो मेरा गिफ्ट हमको नहीं दे रही है तो इस वजह से यार तुम लोग जानते हो ना कुछ नहीं खाया प्रिया कुछ भी नहीं। अरे क्या हो गया एक मिनट हमारे यानी को नहीं हो रही है तसल्ली बोल रही मम्मा खोलो गिफ्ट अभी खोल के देख रही है वो हर साल यही करती है मेरा बर्थडे किसी ना किसी तरीके से मनाई देती है खोल रही। एक्चुअली मैं एनी की वजह से चली आई ना उसका सोने का भी टाइम हो रहा है और फिर मैंने खाना भी नहीं खाया था और वहां पे आप लोग को बताया था ना इतनी सारी चीजें भले ही आई हैं लेकिन मैं जानते हो ना बाहर की चीज कुछ भी नहीं खाती हूँ तो उस चक्कर में मैंने कुछ नहीं खाया। बेटा खोल रही है मम्मा एक मिनट रुको ना तो बैठी है नहीं वो नीचे आ रही है देख भाई अपनी फोटो नहीं 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 ऐसे नहीं करना ना ये बेटू फट जाएगा सोना मेरा ये मेरे ख्याल से दिया इसने सेट मेरे को क्रॉकरी सेट है शायद आई थिंक हाँ क्रॉकरी सेट है ये देखो बहुत प्यारा सा है अच्छा लग रहा ये तो अभी शाम हो चुकी है शाम का बज रहा है 8 और कल से ब्लॉग चालू रात से किए और अभी आगे मैंने कहा चलो ब्लॉग को एंड कर देते हैं और ये देखिए मैंने शॉल भी निकाले हुडी स्वेटर वगैरह जो भी है इनर इनर सब मैंने ठंडियों के निकाल के रख लिए हैं अभी बस ओनली टी शर्ट पहने हैं और शॉल मैंने ऐसे डाल के रखी है और सब शाम को मेरे अभी 6 बजे खाना हुआ था पार्टीज में रहे थे छोटी पार्टी और बड़ी पार्टी बट दिल से करी हुई होती है तो बहुत अच्छी लगती है तो अभी मैंने प्रीति ने कोमल ने सबने मिलके खाना खाया है तो मैंने सूट नहीं किया था थोड़ी देर पहले ही खाया था तो अभी मेरा तो पेट फुल है मैं ऐसा कुछ खाऊंगी नहीं है भूख लगेगी तो देखा जाएगा वैसे भी अब मुझे भूख नहीं लगी है तो अभी बस थोड़े से बर्तन पड़े हैं क्लीनिंग पड़ी है वो करनी है वो कर लूंगी और आज का ब्लॉग मेरे हस्बैंड के बिना गया है मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन। एक्चुअली उन्होंने विशेस दे दी थी बोला था जाओ चली जाओ अच्छा सा केक लेके आओ खाओ खिलाओ। एक्चुअली मैं कट नहीं करती हूँ ना मैंने आप लोगों को बताया था मेरा शादी के बाद से हस्बैंड हर बार केक लेके आते हैं बट सबसे पहले कट वो कर देते हैं उसके बाद मैं कर देती तो मतलब अपने बर्थडे वाले दिन सजा केक में कभी कट नहीं करती हूँ तो और वैसे भी बहुत सारा इतना मुझे वो दुखी नहीं होती हूँ मैं इतना सैड नहीं होती हूँ क्योंकि और भी मेरे लिए मौके आते हैं यूट्यूब पे भी आते हैं मैरिज एनिवर्सरी होती है तो सब पे केक कट करना ही होता है तो इतनी वो नहीं लगती है मतलब मुझे तो आज बहुत अच्छा लगा। प्रीति हर बार मुझे सरप्राइज देती है अच्छा सा मेरा बर्थडे मनाती है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उससे मतलब बड़ी हूँ वो छोटी होके इतना सब कुछ कर लेती है मुझे इसी बात की खुशी होती है दिल से की हुई चीज अच्छी लगती है ना तो खाना मैंने आप लोग को बताया तो वहाँ बहुत सारी चीजें लेके आई थी बट मैंने नहीं खाया था मैंने ऊपर आके ही खाया है और उसने जबरदस्ती कसम मुझे दिलाई थी मुझे रसगुल्ला खिला दिया था आप लोगों ने देखा होगा मैं आप लोग से बातें कर रही थी बातें करते करते मुंह में डाल दिया मुंह से मैं कैसे क्या करती और कसम खिलाई थी वैसे मैं निकाल भी देती तो इस चक्कर में मैंने फिर मैंने कहा चलो खा लेते हैं और वैसे भी इतने दिन से मैं परहेज पे ही हूँ मैं बाहर की चीज नहीं खा रही हूँ तो अभी मम्मी के लिए बहुत सारी चीजें वो दे के गई थी तो ये देखिए आप लोग भी केक खा लीजिए ये देखो केक है यहाँ पे रसगुल्ले वगैरह रखे हुए हैं और ढोकला मम्मी खा ली है बहुत सारा आइटम था तो पिछली मतलब नेक्स्ट टाइम से एंजॉय करेंगे अच्छा लगेगा। आज मेरा सिंपल सा दिन था बट मेरे हाथ चोट भी लगी यहाँ पे डंडा गिर गया ऊपर से तो खड़ी थी खिड़की के पास तो यहाँ पे लग भी गया है और एनी ने भी बहुत हौस पौस मचाई है
तो बहुत आज मैं डिस्टर्ब भी हो गई थी, बहुत परेशान भी हो गई थी, बट इनको फोन किया, बोले चलो मैं नहीं था, कुछ तो तुम्हारा अच्छा दिन गया। मैंने कहा हाँ थोड़ा बहुत अच्छा गया। तो आज का दिन हमारा ऐसे ही गया। अगर आप लोगों को, बहुत सारे लोगों की ढेर सारी डिशेज भी आए, कई लोग ऐसे होते हैं, पता मेरी क्या आदत होती है, अगर एक चीज बता देती हूँ, स्टेटस पे मैंने लास्ट में डाला, मैंने नाइट में डाला था ना डे में डाला था कि मेरा बर्थडे है, अभी शाम के टाइम डाला कि मेरा बर्थडे है। जैसे ही जिस जिस लोगों ने देखा, सबकी विशेज आने लगी। एक्चुअली मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, उनकी वीडियो कॉल आ चुकी थी, मेरी मम्मी, मेरी भाई, मेरे बहन, सबकी कॉल आ गई थी, मेरे हस्बैंड की, सबने मुझे विशेज बहुत सारी दे दी है। मेरी मम्मी ने मेरे लिए कुछ चीज ही लेके रख ली है वहां पे, तो दिखाऊंगी जब मैं वहां जाऊंगी तो दिखाऊंगी, है ना। तो बर्थडे का, और कई लोग ऐसे होते हैं, मैं सबका अगर स्टेटस देख रही हूँ, अगर उस पर्सन से मेरी कभी बात भी नहीं हो रही है बट बर्थडे है तो मैं उसको विशेस जरूर देती हूँ और अच्छा भी लगता है। लेकिन मेरे स्टेटस इतने सारे लोगों ने, ढेर बहुत लोगों ने देखे हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोगों ने विश किया, कुछ ने नहीं किया। मुझे इसी चीज का थोड़ा वो लग रहा था, बट मैं इतना सैड नहीं होती हूँ, तो मैं भी ना यहाँ फीड कर लेती हूँ कौन क्या मेरे साथ कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, नेक्स्ट टाइम के लिए मैं प्रिपेयर हो जाती हूँ, रेडी हो जाती हूँ कि उसके साथ मुझे क्या करना है। चलो, और अगर मेरा ब्लॉग आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मेरे चैनल पे विजिट जरूर किया करो प्लीज। इतने मुश्किल से हम वीडियो बनाते हैं और आप लोग ऐसे डिमोटिवेट कर देते तो अच्छा नहीं लगता है ना, तो प्लीज चलो लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।